बात करेंगे देहरादून की, जहां पर मोदी है ना के नारे के साथ में बीजेपी विशाल युवा यात्रा निकाली गई है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने देहरादून के पवेलियन चौक से लेकर सर्वे ऑफ इंडिया हाथी बड़कला तक की यात्रा निकाली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश के मंत्री और युवा नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की गारंटी और योजनाओं के बारे में युवाओं को जानकारी मुहैया कराई। साथ ही 370 हटाने, राम मंदिर का निर्माण और महिलाओं के लिए मजबूत कानून समेत प्रदेश के नकल माफिया कानून, धर्मांतरण कानून और यूसीसी कानून पर सरकार के कड़े फैसलों को प्रदेश की जनता के समक्ष उन्होंने रखा। रैली के दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आगाज कर दिया है। महिलाओं, युवाओं, बुजुर्ग और बच्चों के समर्थन से यह साफ हो गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में 5 सीटें बीजेपी जीतने वाली है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। इसलिए चाहे गठबंधन करो, चाहे आप जब दल समाप्त होते हैं तो फिर वो संघर्ष समिति का सहारा लेते हैं। इन सारों के अवसर में यहाँ का युवा, यहाँ की महिला, यहाँ का मजदूर सारा भारतीय जनता पार्टी साथ है। इसका प्रथम स्वरूप आज हमने दिखाया है। 30% का क्योंकि हमारे ऊपर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद है, उनके मार्गदर्शन में हम लगातार ऐसे काम कर रहे हैं जो देवभूमि को जिसकी जरूरत है, उत्तराखंड को जिसकी जरूरत है। भाई बहनों, पहली बार प्रदेश के अंदर हमने राजस्व पुलिस को, बेमा पुलिस के अंदर